आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने शुक्रवार को एक सरकारी बयान में कहा कि पिछले एक साल में उड़द की दाल की औसत थोक कीमतों में 5% की गिरावट आई है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार उड़द दाल का औसत थोक मूल्य 25 फरवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 9410.58 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि 25 फरवरी 2021 को यह कीमत 9904.39 रुपए प्रति क्विंटल थी। ये 4.99% की गिरावट को बताता है। इसी तरह 24 फरवरी 2022 को उड़द दाल का औसत थोक मूल्य 9444.06 रुपए प्रति क्विंटल रही, जबकि 24 फरवरी 2021 को ये कीमत 9896.95 रुपए प्रति क्विंटल थी। मई 2021 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया गया था। मूंग को छोड़कर बाकी सभी दालों पर स्टॉक सीमा 2 जुलाई 2021 को अधिसूचित की गई थी। इसके बाद 19 जुलाई 2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें 4 दालों अरहर, उड़द, मसूर, चना पर 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।